हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर टू, ईयर टू ईयर ऑफ क्लास फोर्थ. ओके, लेट्स मूव. मैच द एनिमल्स शोन हियर विद द पिक्चर ऑफ देयर स्किन. मेक द करेक्ट पैटर्न ऑफ द स्किन ऑन द पिक्चर ऑफ ईच एनिमल. बच्चों, आपको क्या करना है यहाँ पे? बच्चों, आपको ये कुछ एनिमल्स की फ़ोटो दी गई हैं. उन एनिमल्स की फ़ोटो को आपको उनकी स्किन के साथ क्या करना है? मैच करना है. सबसे पहले देखिए, ये जो पिक्चर है ये किसकी है? टाइगर की है. तो इसलिए हम लोग इसको किसके साथ मैच करेंगे? टाइगर की स्किन के साथ. नेक्स्ट देखिए, ये जो पिक्चर दी गई है ये है जैब्रा की. तो इसलिए जैब्रा को हम किसके साथ, किसकी स्किन के साथ मैच करेंगे? जैब्रा की स्किन के साथ. फिर यहाँ पे देखिए, आपको ये एक और पिक्चर दी गई है. ये किसकी पिक्चर है? डियर की. तो डियर की पिक्चर को हम लोग उसकी स्किन के साथ मैच कर देंगे. नेक्स्ट है हमारा लेपर्ड. लेपर्ड को हम किसकी, तो लेपर्ड को हम उसकी स्किन के साथ क्या कर देंगे? मैच कर देंगे. और लास्ट में हमारी बची छोटी सी प्यारी सी स्क्वायरल. ठीक है, अब स्क्वायरल को हम फटाफट से उसकी स्किन के साथ क्या कर देंगे? मैच कर देंगे. ओके, तो हमें इस तरीके से एनिमल्स को उनकी स्किन के साथ क्या करना था? मैच करना था. चलिए पढ़ते हैं आगे. नेम ऑफ एनिमल्स आर गिवन बिलो इन द टेबल. पुट टिक मार्क इन द कॉलम अकॉर्डिंग टू देयर लुक. आपको क्या करना है? कुछ एनिमल्स दिए गए हैं, उनको आपको क्या करना है? टिक करना है. ओके, कि कौन कौन से ऐसे एनिमल हैं जिनके कान होते हैं, कौन से ऐसे एनिमल हैं जिनके कान नहीं होते हैं, फिर कौन से ऐसे एनिमल हैश हेयर ऑन स्किन, और कौन से ऐसे हैं हैश फैदर ऑन स्किन, जिनके पास पंख होते हैं. ठीक है, तो वो आपको बताना है. सबसे पहले हम बता देती हूँ मैं आपको, ऐसे आपको मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, वो आपको फिर करना है. चलिए, जो कौन मैं बता रही हूँ, जिनके कान दिखाई देते हैं, ईयर्स कैन बी सीन. तो कौन कौन से एनिमल्स आएंगे इसमें? एलिफेंट, फॉक्स, पिग, माउस, कैट, बफेलो, कैमल, काउ, गोट. ठीक है, तो ये सभी एनिमल्स आएंगे जिनके कान दिखाई देते हैं. अब यहाँ पे देखिए, ईयर्स कैन नॉट बी सीन. अब कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनके ईयर्स नहीं दिखाई देते? स्पैरो, पिजन, फ्रॉग, क्रो, पिकॉक, डक, हैन, लिजार्ड. तो यहाँ पे आपको टिक कर लेना है. ठीक है, इन एनिमल्स के सामने आपको टिक कर लेना है जिनके नाम मैंने अभी बोले, इनके जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं. थर्ड कॉलम देखिए, हैश हेयर ऑन स्किन. ठीक है, जिनके पास बाल होते हैं. ओके, उनके मैं नाम आपको बोल रही हूँ, आपको उनके सामने टिक कर लेना है. एलिफेंट, फॉक्स, पिग, माउस, कैट, बफेलो, कैमल, काऊ, गोट. ठीक है, तो ये कुछ एनिमल्स थे जिनके पास क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं स्किन पे. नेक्स्ट फोर्थ कॉलम में देखिए, हैश फैदर्स ऑन स्किन, जिनके पास पंख होते हैं. मैं नाम ले रही हूँ, आपको उन एनिमल्स के आगे क्या करना है? टिक करना है. स्पैरो, पिजन, क्रो, पिकॉक, डक, हैन. ओके, तो ये कुछ एनिमल्स थे जिनके पास क्या होते हैं? फैदर्स होते हैं, जिनके आपको फैदर्स के कॉलम में टिक करना है. चलिए अब नीचे देखिए, इन विच कॉलम यू पुट टिक फॉर काउ एंड बफेलो. तो काउ और बफेलो के लिए हमने कहाँ पे नाम लिया था? कि जो काउ और बफेलो है, ईयर्स कैन बी सीन, हैश हेयर ऑन स्किन, यानी कि इनके पास बाल होते हैं और इनके कान दिखाई देते हैं. तो इन दोनों में इनके टिक आएगा उस कॉलम में. फ्रॉम द डिस्टेंस कैन यू सी द हेयर ऑन द स्किन. क्या आपने दूर से देखा है उनकी कभी स्किन को अच्छी तरीके से? नहीं देखा है तो एक बार ट्राई करना है. ठीक है, जाके देखना है और देखना है कि उनके हेयर होते हैं कि नहीं. ओके, इफ़ यू मीट एन एलिफेंट
वुड यू डेयर टू टच इट? क्या आपने कभी एलिफेंट देखा है? और क्या आपने उसको कभी टच करने की कोशिश की है? डू यू नो डैट एन एलिफेंट ऑल्सो हैज हेयर ऑन इट्स स्किन? क्या आपको पता है कि एलिफेंट की जो स्किन होती है उसमें भी क्या होते हैं? हेयर होते हैं. चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे. कैन यू टेल विच ऑफ द एनिमल्स मैंशन इन द टेबल ले एग्स? फाइंड आउट एंड ट्राई द नेम ऑफ दिस एनिमल्स इन द ग्रीन बॉक्स. बच्चों आपको क्या करना है, रेड बॉक्स में एनिमल्स के नाम, उन एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो कि बर्थ देते हैं बेबीज को, और ग्रीन बॉक्स में उन एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो कि क्या करते हैं, ले करते हैं एग्स, जो कि अंडे देते हैं. ओके, तो ये आपको इसमें लिखना है. जैसे कि बच्चों अभी हम रेड बॉक्स में देखिए कुछ है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ. लाइक देखिए जो कि अपने बच्चों को जन्म देते हैं वो हम लिखेंगे रेड बॉक्स में. लाइक डियर, बफेलो, पिग, एलिफेंट, कैट, जिराफ, ये कुछ एनिमल्स हैं जो कि अपने बच्चों को क्या देते हैं, जन्म देते हैं, यानी कि बर्थ टू बेबी. अब हम ग्रीन बॉक्स में उन एनिमल्स के नाम लिखते हैं जो कि क्या देते हैं, अंडे देते हैं. लाइक फ्रॉग, लिजार्ड, डक, क्रो, स्पैरो, फिश, एंट, ये सभी ऐसे एनिमल्स हैं जो कि क्या करते हैं, अंडे देते हैं. अब यहाँ पे देखिए नीचे, नाउ लुक अगेन एट द टेबल ऑन द प्रीवियस पेज, अंडरलाइन द नेम्स ऑफ एनिमल्स हुज नेम्स आर इन द ग्रीन बॉक्स. यानी कि बच्चों आपको इसमें भी क्या करना है, जो एनिमल्स जो आपने ग्रीन बॉक्स में लिखे हैं उन एनिमल्स के नीचे आपको क्या करनी है, अंडरलाइन करनी है. पुट सर्कल अराउंड द नेम ऑफ दोज एनिमल्स हुज नेम्स आर इन द रेड बॉक्स. और जो बच्चों आपने रेड बॉक्स में जो एनिमल्स लिखे हैं उनको आपको क्या करना है, सर्कल करना है. सो व्हाट डिड यू नोटिस? दोज एनिमल्स हुज हेयर्स यू कैन सी हैव हेयर ऑन देयर बॉडी. तो बच्चों आपने क्या नोटिस किया इसमें, इस चैप्टर में जब हमने पढ़ा तो आपने क्या नोटिस किया, दोज एनिमल्स कि जिन एनिमल्स के पास कान होते हैं उनके पास बॉडी में हेयर भी होते हैं. दीज एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस. और यही एनिमल्स यंग वंस को भी क्या देते हैं, जन्म देते हैं. दोज एनिमल्स दैट डू नॉट हैव ईयर्स. और हमने ये नोटिस किया कि जिन एनिमल्स के पास ईयर्स नहीं होते उनकी बॉडी पे बाल भी नहीं होते. ओके, ऑन द आउटसाइड डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी. दीज एनिमल्स ले एग. और यही एनिमल्स क्या करते हैं, ले करते हैं एग्स, यानी कि अंडे देते हैं. अब यहाँ पे देखिए, होल इन प्लेस ऑफ हेयर दे ले एग्स. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यानी कि जिन एनिमल्स के पास ईयर की जगह क्या होते हैं, होल होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, अंडे देते हैं. क्या करते हैं बच्चों, अंडे देते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नीचे, हैव यू सीन एनिमल्स अराउंड योर हाउस और स्किन स्कूल दैट हैव स्मॉल बेबीज? बच्चों आपको क्या करना है, ये आपके लिए एक्सरसाइज है, ये आपको करनी है खुद से. आपको उन एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो कि आपको आपके घर के या फिर स्कूल के आजू बाजू दिख जाते हैं, जिनके स्मॉल बेबीज होते हैं, यानी कि छोटे छोटे जिनके बच्चे होते हैं, उन एनिमल्स के आपको इसमें नाम लिखने हैं. हैव यू एवर केप्ट अ पैट? विच पैट डू यू नो अबाउट? अब बच्चों आपको इसमें क्या लिखना है, क्या आपने कभी घर में कोई पैट, कुछ कोई पेट एनिमल पाला है? अगर पाला है तो आपको यहाँ पे यस या नो लिखना है और बताना है कौन सा पेट एनिमल आपने अपने घर में पाला है. विच पेट डू यू नो अबाउट? और आपको ऐसा कौन, मतलब आपके नेबरहुड में कोई ऐसा हो जिसने पेट पाला हो,
ठीक है, पेट एनिमल हो जिसके पास तो उसको भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो बच्चों ये आपका होमवर्क है और ये आपको करना है। ओके, तो आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अब जो इसका जो आगे का जो चैप्टर बाकी है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।